हेलो एवरीवन, मैं वाणी नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आज अपन कैरी ऑन करेंगे पार्ट 6, जिसके अंदर अपन डिजीज पोर्शन लर्न करेंगे। और आज एक बड़ी डिजीज है, उसी को अपन लर्न करेंगे, अस्थमा अटैक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन निकल के आता है। और हमारी क्लास डेली लाइव रहती है 8:30 बजे। किसी दिन नहीं होती है तो आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता है, लेकिन जिस दिन होती है उस दिन नोटिफिकेशन मिल जाता है। 47th क्लास है अपनी आज की, बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉर्सेट जो सेशन चल रहा है अपना, थ्योरी क्लासेज का सेशन, उसी को अपन कैरी ऑन करेंगे आज। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट अपना चल रहा है, उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 6, तो धमाकेदार क्लास रहने वाली है आज की। क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें, देन सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी कैरी ऑन कर सकें। तो हम क्लास को कैरी ऑन करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आज का। अस्थमा, अस्थमा यानी हिंदी में अपन इसको बोल सकते हैं दमा की प्रॉब्लम, यानी दमा। ये एक इरिवर्सिबल डिजीज़ है, सॉरी यह एक रिवर्सिबल डिजीज़ है। रिवर्सिबल का अर्थ होता है कि बार बार होने वाली है, एक बार अगर हो गई, किसी पेशेंट को ट्रीट कर दिया उसके बारे में वापस हो सकती है। तो नेरोविंग ऑफ एयरवे का नेरो हो जाना क्या कहलाता है, अस्थमा। वो किसी कॉजेज की वजह से हो सकता है, जैसे म्यूकस की वजह से हो सकता है, या फेट, या कुछ भी जमा हो सकता है एयरवे के अंदर, कुछ फॉरेन बॉडी भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, और कौन कौन से फैक्टर है, ट्रिगर फैक्टर है, वो सारे कॉज करते हैं अस्थमा को, वो सारे फैक्टर अपन लर्न करेंगे। देन इसके क्या क्या साइंस सिम्टम होते हैं, फिर ट्रीटमेंट अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है अस्थमा का। पेशेंट को एक बार अस्थमा हो गया तो मतलब उसके जब तक वह जीवित रहेगा तब तक उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, वरना एल्विलाई है, या जो आपके जो ब्रोंकस है या ब्रोंकाई है, वो यहाँ पे सिकुड़ जाएंगे और उनका ल्यूमन है वो छोटा हो जाएगा, और उसकी वजह से प्रॉपर वह रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी जान भी जा सकती है पेशेंट की। तो अपन पढ़ते हैं अस्थमा को, इट इज़ ए क्रॉनिक इंफ्लामेटरी डिजीज। क्रॉनिक इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर है यह एक प्रकार का। होता क्या है इसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू स्पाज्म इन ब्रोंकाई कैन कॉज डिस्निया। ये एक प्रकार का क्या है, क्रॉनिक इंफ्लामेटरी डिजीज है। क्या है, क्रॉनिक और इंफ्लामेटरी डिजीज़ है। इंफ्लामेशन आ जाता है उसके अंदर, सूजन आ जाती है, और ड्यू टू स्पाज्म ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का स्पाज्म की वजह से यह डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, डिस्निया कॉज होता है। पेशेंट को सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड डिस्निया। ये है नॉर्मल एयरवे ये होता है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का म्यूकस नहीं है, और ये मसल्स भी बिल्कुल रिलैक्स है, इसके मसल्स है वो बिल्कुल रिलैक्स है। लेकिन यहाँ पे अगर मसल्स अपन देखेंगे तो मसल्स भी टाइट है, बिल्कुल मसल्स टाइटनेस मिलेगा अपन को, और म्यूकस है वो एक्सेस है, एक्सेस मात्रा में म्यूकस यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को, यहाँ पे म्यूकस इकट्ठा हो रखा है, और इसकी वजह से क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा एयरवे, और इसकी वजह से पेशेंट है वो प्रॉपर एयरवे यहाँ पे नहीं कर पाएगा, ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा। और कंडीशन कौन सी डेवलप हो जाएगी अपने पास में, अस्थमा। और अस्थमा मैंने एक बार पहले भी पढ़ाया था, लेकिन वो था GNM लेवल का या BSc लेवल तक का ही था, लेकिन ये यहाँ पे नॉर्सेट बेस का यह है पूरी की पूरी डिजीज़। और इसको आप अगर लर्न कर लोगे तो इसके बाद में आपको कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आप नहीं कर पाओ, मतलब सब क्वेश्चन कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने पैथोफिजियोलॉजी भी बहुत ही डिटेल में और अच्छे से यहाँ पे पुट की है। देखते हैं आगे वो क्या चीज़ आती है अपने पास में, कि इट इज़ ए रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज़। रिवर्सिबल यानी बार बार होने वाली, एक बार अगर ट्रीट कर दिया वापस हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी ये एयरवे है आपका, ये आपका ट्रेकिया ब्रोंकाई है, फिर ये ब्रोंकियोल्स, तो इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, यहाँ पे आया, फॉरेन बॉडी के रूप में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। तो ये एक प्रकार की ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ भी है, रेस्पिरेटरी डिजीज़, कैरेक्टराइज्ड बाय अ
अब ये किस किस के द्वारा, इसके सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, ब्रीथिंग पैटर्न है वो इनइफेक्टिव मिलेगा, इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न नहीं मिलेगा, मतलब रुक रुक के सांस लेगा पेशेंट। और एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न, एबनॉर्मल मिलेगा, ब्रीथिंग पैटर्न है वो बिल्कुल एबनॉर्मल मिलेगा, गड़बड़ा जाएगा पूरा, जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो गड़बड़ा जाएगा, मतलब डिस्निया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। देन हाइपर रेस्पॉन्स ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या करेगा, हाइपर रेस्पॉन्स करेगा और ब्रोंकाई भी, दोनों ही क्या करेंगे, हाइपर रेस्पॉन्स करेंगे, और उसके वजह से क्या होगा, पेशेंट को डिस्निया वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी और पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा। म्यूकस प्रोडक्शन हो सकता है, म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से भी अस्थमा वाली कंडीशन डेवलप होती है, और उसके वजह से क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से नैरोविंग ऑफ एयरवे, एयरवे इस प्रकार से लुक लाइक इस प्रकार से हो जाएगा, नैरोविंग ऑफ एयरवे, एयरवे किस प्रकार से हो जाएगा, ये इस प्रकार से, ये जो डायग्राम में दिखा रखा है उसी प्रकार से एयरवे हो जाएगा छोटा वाला। आया समझ में सभी को, प्रोडक्शन ऑफ एक्सिस म्यूकस, और जब ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होगा तब इस प्रकार की लुक लाइक इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो अगर आप इसको लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से क्लास डिस्टर्ब हुई अपनी, तो टेक्निकल एरर आ सकता है क्लास के अंदर, घबराए नहीं। यस, अब क्लास वापस कैरी ऑन हो चुकी है अपनी। ये तो था आपका इंट्रोडक्शन, क्या ये क्या था, सारा का सारा इंट्रोडक्शन था पूरा का पूरा। क्या इसके अंदर होता क्या था, वापस बता रहा हूँ मैं एक बार, कि क्रोनिक और इंफ्लामेटरी डिजीज़ है अस्थमा, क्या है, एक प्रकार की क्रोनिक और इंफ्लामेटरी डिजीज़ है। अब ये इसमें क्या होगा, ब्रोंकाई के अंदर स्पाज्म होगा, ब्रोंकाई में स्पाज्म होगा और उसकी वजह से डिस्निया वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और ये क्या है, एक इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न देखने को मिलता है, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न देखने को मिलता है या एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न देखने को मिलता है। और हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस और ट्रेकिया होता है वो हाइपर रेस्पॉन्स करेगा, म्यूकस प्रोडक्शन एक्सेसिव होगा तो उसकी वजह से एयरवे है वो नैरो हो जाएगा। ये सारी की सारी बात अपन ने पढ़ ली, अब आगे देखते हैं अपन डेफिनेशन। अब आती है अपनी मेन इंपॉर्टेंट जो डिजीज़ है उसका जो फंडा है वो अब आता है अपने पास में, कि डेफिनेशन क्या है, अस्थमा इज़ ए क्रॉनिक इंफ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ द एयरवे, एयरवे की एक प्रकार की क्रॉनिक एंड इंफ्लामेटरी डिजीज़ है। अस्थमा क्या है, क्रॉनिक एंड इंफ्लामेटरी डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है एक प्रकार की एयरवे की, दैट कॉजेज एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, म्यूकोजल इडिमा एंड म्यूकस प्रोडक्शन, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा एयरवे और उसकी वजह से म्यूकस एडिमा या म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाएगा, क्योंकि एयर अंदर एंटर नहीं करेगी लंग्स के अंदर, उसकी वजह से क्या कॉज करेगा, अस्थमा। और इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या है, जेनेटिक, जेनेटिक फैक्टर भी कॉज करता है। अगर मान लो जेनेटिक वंश परंपरागत नियम से हिसाब से अगर किसी पेरेंट्स को है अस्थमा तो बच्चे में भी अस्थमा हो सकता है। एलर्जिक, एलर्जिक ये मोस्ट कॉमन कॉज है अस्थमा का, एलर्जिक जिसमें डस्ट परफ्यूम ये पोलन हुआ ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है, उसकी वजह से क्या होता है, एलर्जिक अस्थमा होता है। एयर पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। मेडिकेशन, बी ब्लॉकर, बी ब्लॉकर जो मेडिकेशन होती है वो क्या कॉज करती है, यहाँ पर अस्थमा कॉज करती है। तो ये मोस्ट कॉमन जो भी लिख रखा है मैंने ना एलर्जिक वाला, इसको आप हाईलाइट करके अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चन दिमाग में रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये पूछा जाता है। आया समझ में सभी को। देन जी ई आर डी किस प्रकार से अस्थमा कॉज करेगा, कि सपोज ये तो है आपका ट्रकिया और ये क्या है आपका इसोफेगस, और दोनों ही जाके यहाँ पे एपिग्लोटिस के वहाँ से यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो मान लो GERD की वजह से बैक फ्लो हुआ फूड और वो चला गया यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ट्रेकिया में, तो ये ट्रेकिया में चला गया तो इस ट्रेकिया में जाने की वजह से ट्रेकिया ब्लॉक हो जाएगा या ब्रोंकाई ब्लॉक हो जाएगी, उसकी वजह से एयर अंदर एंटर नहीं करेगी और अस्थमा वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो इस प्रकार से GERD भी कॉज करता है। स्मोकिंग, स्मोकिंग करेगा पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा तो लंग्स यहाँ पे डैमेज होंगे और लंग्स डैमेज होंगे तो यहाँ पे अस्थमा वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है।
आया समझ में सभी को? लिखना चाहे आप तो लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है बहुत ही, डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कॉजेज में ये एलर्जिक वाला और GERD, स्मोकिंग, ये सारे के सारे कॉजेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन आगे देखते हैं अपन, आगे भी बहुत सारी चीज़ें अपने पास में आएगी, अच्छी अच्छी चीज़ें। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो अपने पास में कुछ सिम्टम मिलते हैं, जैसे डिस्निया वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी ब्रीथ साउंड उसकी शॉर्ट हो जाएगी, मतलब ज़्यादा नहीं आएगी ब्रीथिंग, वो है उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। और डिस्निया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइपोक्सिया वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है, हाइपोक्सिमिया जब भी होगा, हाइपोक्सिमिया भी साथ में होगा, और हाइपर कैपनिया और हाइपर कार्बिया भी साथ में होगा, CO2 लेवल बढ़ जाएगा और O2 लेवल कम हो जाएगा, और उसको हाइपोवेंटिलेशन देखने को मिलेगा। एंड अपने पास में एक कंडीशन और आती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी उसको होगा। क्यों? क्योंकि O2 कम हो रही है, PCO2 ज़्यादा हो रहा है, उसके अंदर भी वही सेम कंडीशन हाइपरकार्बिया हो रहा है। तो वो भी एपिजेनालिसिस में अपन ने पढ़ा था, अस्थमा क्या कोज करता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो डिस्निया वाली कंडीशन हो सकती है, कफ आएगा फ्रिक्वेंटली, स्पेशली एट नाइट, नाइट में कफ आएगा पेशेंट को। वीजिंग, विसल लाइक साउंड, वीजिंग साउंड सुनाई देगी। अब याद रखना, अस्थमा का क्वेश्चन आता है, अस्थमा में कौन से साउंड सुनाई देती है? एबनॉर्मल साउंड होती है। अपन ने लंग्स की 3 साउंड कल भी पढ़ी थी, कल अपन ने लर्न किया था, कल 3 साउंड पढ़ी थी अपन ने। एक तो पढ़ी थी अपन ने ब्रोंको, वापिस बता रहा हूँ, ये ब्रोंको साउंड, फिर है वेसिकुलर साउंड, दूसरी कौन सी है? वेसिकुलर साउंड। तीसरी साउंड कौन सी थी? ब्रोंको वेसिकुलर। तीसरी साउंड कौन सी थी? ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। ये 3 प्रकार के, ब्रोंको साउंड, वेसिकुलर एंड ब्रोंको वेसिकुलर, ये 3 प्रकार की साउंड मिलती है लंग्स के अंदर नॉर्मली। नॉर्मली कितनी साउंड मिलती है? 3। लेकिन कुछ एबनॉर्मल साउंड भी होती है, रॉन्ची, क्रैकल, वीजिंग, इस प्रकार की। तो ये वीजिंग साउंड किसके अंदर मिलती है? यहाँ पे अस्थमा के अंदर। अस्थमा के अंदर कौन सी मिलती है? वीजिंग साउंड। कौन सी मिलती है? वीजिंग साउंड। ये अस्थमा की एबनॉर्मल साउंड है, अस्थमा के पेशेंट के अंदर विसर लाइक साउंड सुनाई देगी, याद रखना ये चीज़। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। चेस्ट टाइटनेस हो जाएगा, चेस्ट बिल्कुल टाइट हो जाएगा, कंजेशन होगा उसको, पेशेंट को कंजेशन देखने को मिल सकता है। और SOB यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ पेशेंट को देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उसकी वजह से, और टेकीपनिया और टेकीकार्डिया दोनों ही देखने को मिलेगा। टेकीपनिया यानी जो रेस्पिरेटरी रेट है, RR है, वो बढ़ जाएगी, और टेकीकार्डिया मतलब HR बढ़ जाएगी, HR यानी हार्ट रेट उसकी इंक्रीज हो जाएगी नॉर्मल से भी। ये क्या कहलाएगी कंडीशन? टेकीकार्डिया और टेकीपनिया। देन साइनोसिस। अब साइनोसिस क्यों होगा? क्योंकि पेशेंट के बॉडी के पार्ट्स तक यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का जो वे है वो ऑब्स्ट्रक्ट है, उसकी वजह से नहीं पहुँच पाएगी और साइनोसिस वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी। एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अभी जस्ट बताया था मैंने, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली कंडीशन भी अपन को देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। देन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन यानी एक्सपायरेशन तो करेगा पेशेंट, बाहर निकालेगा सांस को, इंस्पायरेट भी करेगा, एक्सपायरेशन करेगा, तो एक्सपायरेशन प्रोलॉन्ग होगा उसका, लंबा लंबा यहाँ पे छोड़ेगा सांस को और उसको सांस चलने लग जाएगा। तो ये वाली कंडीशन अपन को देखने को मिलती है अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर। आया समझ में सभी को? ये सारे के सारे क्या थे? क्लिनिकल फीचर्स। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं बता रहा हूँ मैं। इनके अलावा भी कुछ सिम्टम है, जैसे कि हाइपोक्सिया के पेशेंट को क्या मिलेगा? हाइपोक्सिया, फिर हाइपोक्सिमिया, ये मैंने बता दिया अभी, हाइपोक्सिमिया देखने को मिल सकता है, हाइपर कैपनिया यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा, तीनों ही यहाँ पे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। डिस्निया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वीजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अपने पास में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये इंपॉर्टेंट साइन है, याद रखना। टेकीकार्डिया, टेकीपनिया, साइनोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन ये अपन को देखने को मिलता ही है। सारे के सारे सिम्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, वही मैंने लिखे हैं यहाँ पे।
देन टाइप्स ऑफ अस्थमा। अब अस्थमा के अपन टाइप पढ़ेंगे, सिंपल से टाइप है वही पढ़ेंगे अपन, ओनली फॉर डीप में ज़्यादा नहीं एंटर नहीं करेंगे, डीप में नहीं जाएंगे। पहला है एपिसोडिक अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? एपिसोडिक होता है, एपिसोड के रूप में आता है। ऐसा नहीं कि रेगुलर उसको सांस चलती रहेगी, थोड़ी देर चलेगी, थोड़ी देर वापस नॉर्मल हो जाएगी, फिर चलेगी, फिर वापस नॉर्मल हो जाएगी। और अगर ट्रीट नहीं किया है तो भगवान को प्यारा हो जाएगा पेशेंट। सडनली अकर विद डिस्निया, सडनली पेशेंट के अंदर क्या होगा? डिस्निया डेवलप होगा। डिस्निया एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, कफ आएगा एंड वीजिंग वाली साउंड सुनाई देगी, ये एपिसोडिक अस्थमा होता है। फिर आता है क्रॉनिक अस्थमा। अब जो एपिसोडिक समझ में आ गया, मैंने शॉर्ट लिखा है, बिल्कुल स्वीट लिखा है, कोई रामायण नहीं लिखी है बड़ी बड़ी, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है। सडनली अकर मतलब एकदम से अकर होगा, अचानक अकर होगा, और विद डिस्निया, डिस्निया कफ एंड वीजिंग उसको होगा पेशेंट को। फिर क्रॉनिक अस्थमा, क्रॉनिक अस्थमा क्या होता है? इट इज़ ए कंडीशन ऑफ अस्थमा अकर लॉन्ग टाइम। अगर अस्थमा है वो लॉन्ग टाइम तक, अगर उसको पेशेंट को है, पेशेंट को अस्थमा है वो कितने टाइम तक है? लॉन्ग टाइम तक, विद कफ वीजिंग। अब उसके अंदर क्या होगा? लॉन्ग टाइम तक कफ होगा, वीजिंग साउंड सुनाई देगी, चेस्ट टाइटनेस होगा, डिस्निया होगा, मेलेज होगा, विद टेकिपनिया। टेकिपनिया के साथ में ये सारी कंडीशन अपन को अगर देखने को मिलती है तो वो क्या है? क्रॉनिक अस्थमा होता है। क्या होता है? क्रॉनिक अस्थमा होता है। आया समझ में सभी को? देन स्टेटस अस्थमेटिकस, एक एपिसोडिक अस्थमा मतलब सडनली अकर हो रहा है, क्रॉनिक अस्थमा एंड क्रॉनिक अस्थमा के साथ में अपन को कुछ सिम्टम मिल रहे हैं और वो भी लॉन्ग टाइम तक मिल रहे हैं, कफ, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, डिस्निया, मेलेज और टेकिपनिया, ये सारे सिम्टम क्रॉनिक अस्थमा मिलते हैं। उसके बाद में आती है अपने पास में कंडीशन स्टेटस अस्थमेटिकस। स्टेटस अस्थमेटिकस क्या होता है? नॉर्मली अपन अगर देखें तो इट इज़ ए सीवियर कंडीशन ऑफ अस्थमा अटैक। अस्थमा अटैक होता है एक प्रकार का, उसकी सीवियर कंडीशन होती है, मतलब ये क्रॉनिक कंडीशन होती है, क्रॉनिक से भी सीवियर होती है अस्थमा अटैक होती है। डोंट ट्रीट बाय मेडिकेशन, ये मेडिकेशन से ट्रीट नहीं होती है। अगर ट्रीटमेंट अपन दे भी देंगे तो भी ये अस्थमा अस्थमेटिकस वाली, स्टेटस अस्थमेटिकस वाली कंडीशन है वो ट्रीट नहीं होगी, और ये रिवर्सिबल कंडीशन होती है, मतलब बार बार होने वाली कंडीशन है, बार बार हो जाती है। रिवर्सिबल मतलब बार बार हो जाती है, पेशेंट को ट्रीट करेंगे वापस हो जाएगी, मतलब ट्रीट भी नहीं होती है। डोंट ट्रीट बाय मेडिकेशन, मेडिकेशन से भी ट्रीट नहीं होती है, ये अपने आप ही ट्रीट होती है और अपने आप ही वापस हो जाती है। इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देना होता है पेशेंट को। और यह स्टेटस अस्थमेटिकस लॉन्ग टाइम तक अस्थमा के रहने वजह से या क्रॉनिक अस्थमा के लॉन्ग टाइम रहने की वजह से डेवलप हो जाती है। ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है, अस्थमा का एपिसोडिक अस्थमा आए तभी उसको ट्रीट कर देना में ही भलाई है अपनी, बाकी ज़्यादा हो जाए तो फिर डेवलप क्रॉनिक में, क्रॉनिक से वापस स्टेटस अस्थमेटिकस वाली प्रॉब्लम में भी पेशेंट जा सकता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं और इसको लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। आया समझ में सभी को? इम्पोर्टेंट पैरामीटर आपको लर्न हुआ। ओके फाइन, देन अब फिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि अस्थमा किस प्रकार से होता है पेशेंट के अंदर, वो फिजियोलॉजी सारी की सारी अपन पढ़ेंगे कि अस्थमा के अंदर, अस्थमा एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन है और एलर्जिक रिएक्शन के अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन बॉडी के अंदर बढ़ता है वो कौन सा होता है? IgE। IgE इज इक्वल टू एलर्जिक रिएक्शन। IgE किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है IgE, याद रखना। तो यहाँ पर लिखा है अस्थमा मोस्टली डेवलप ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन IgE। IgE की वजह से यहाँ पर डेवलप होता है। वेन एनी फॉरेन पार्टिकल एंटर इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है कि वेन, जब कोई सा भी फॉरेन पार्टिकल से वह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करेगा तो क्या होगा पेशेंट के अंदर, देखते हैं अपन आगे। देन रीच इन लोअर एयर वे एंड मिक्स इन ब्लड, वह क्या करेगा? लोअर एयर वे के अंदर एंटर कर जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा? ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा। ये एक पैथोफिजियोलॉजी है, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि जब फॉरेन पार्टिकल है वह एंटर करेगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से वह कहाँ जाएगा? लोअर में, और ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा। अब ब्लड के अंदर तो चला गया, अब उसके बाद में क्या धमाका करेगा वो देखते हैं अपन। देन स्टिमुलेट इसिनोफिल्स सेल, अब ये क्या करेगा? WBC की जो
पार्ट सेल होती है, WBC का पार्ट होता है ये इसिनोफिल सेल, उसको जाके स्टिमुलेट करेगी। ये जो IgE होती है वो क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी इसिनोफिल को। यहाँ पे इसिनोफिल ब्लड के अंदर मिक्स हो गया फॉरेन पार्टिकल। यहाँ पे क्या हुआ, पहले अपन पढ़ते हैं कि फॉरेन पार्टिकल है एंटर हुआ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और रीच इन लोअर एयर वेल, लोअर एयर में वो पहुँच गया। कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और मिक्स हो गया ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर मिक्स होने के बाद में ये स्टिमुलेट करेगा इसिनोफिल सेल को। इसिनोफिल सेल किसको स्टिमुलेट करेगी, अब देन इसिनोफिल सेल है वो किसको स्टिमुलेट करेगी, कैन स्टिमुलेट IgE। अब ये क्या करेगी, IgE को स्टिमुलेट करेगी। इसिनोफिल सेल किसको स्टिमुलेट करेगी, IgE को। और IgE क्या करेगा, IgE क्या करेगा, यहाँ पे आगे जाके IgE कैन स्टिमुलेट मास्ट सेल। अब इसिनोफिल ने किया IgE को, इसिनोफिल ने किसको किया, IgE को, और IgE ने किया मास्ट सेल को। मास्ट सेल करेगी हिस्टामिन रिलीज, और हिस्टामिन क्या करेगा, अस्थमा कॉज करेगा। अब देखते हैं आगे क्या आता है, कब मास्ट सेल विल रिलीज हिस्टामिन। अब देखना कि बच्चों इसिनोफिल होता है, इसिनोफिल सेल, अब देखो सबसे पहले चीज़ बताता हूँ मैं आपको, अस्थमा हुआ पेशेंट को तो फॉरेन बॉडी ने एंटर किया अपर में, अपर से कहाँ गया लोअर में, लोअर से उसने मिक्स हुआ ब्लड में, ब्लड ने ब्लड के वहाँ से WBC का पार्ट होता है इसिनोफिल सेल, वो रिलीज हुआ। इसिनोफिल सेल किसको स्टिमुलेट करेगी, IgE को। IgE स्टिमुलेट हुआ, IgE ने मास्ट सेल को यहाँ पे स्टिमुलेट किया, मास्ट सेल को मैसेज दिया कि यहाँ पे फॉरेन बॉडी आ चुका है, अब अपन को कुछ करना पड़ेगा। और मास्ट सेल ने क्या बोला कि मेरे हाथ में भी नहीं है, मेरे को भी आगे से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, यहाँ पे रिलीज़ किया हिस्टामिन को, उसने आगे से परमिशन लेके हिस्टामिन को रिलीज़ कर दिया। उसने बोला कि मैं तो हूँ राजा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, IgE मास्ट सेल का भी राजा है, इसिनोफिल उसका भी राजा है। इसिनोफिल क्या है, प्रधानमंत्री है। इसिनोफिल ने बोला मुख्यमंत्री को कि IgE को कि फॉरेन बॉडी आ चुका है कुछ करो, तो IgE ने क्या, IgE ने थोप दिया दूसरे के ऊपर, मतलब यहाँ पे सांसद को सौंप दिया, सांसद को कार्यभार सौंप दिया, पे जो जिले का सांसद होता है उसको, कि तू कर जो करना है जो। IgE ने मास्टर सेल को दे दिया, मास्टर सेल ने विधायक को दे दिया, विधायक कौन है, हिस्टामिन। अब हिस्टामिन क्या करेगा, हिस्टामिन कैन कॉज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, और हिस्टामिन जाके विधायक होता है वो जाके यहाँ पे वर्क करेगा गाँवों के अंदर। इसी प्रकार से ये कंडीशन होती है कि इसिनोफिल सेल थी, इसिनोफिल ने रिलीज किया यहाँ पे IgE, IgE के बाद में आती है मास्ट सेल, IgE ने क्या किया मास्ट सेल को रिलीज किया, और मास्ट सेल रिलीज किया हिस्टामिन को, और हिस्टामिन ने क्या किया, कॉज किया ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन क्या करेगा, अस्थमा कॉज कर देगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो अस्थमा हो जाएगा पेशेंट को, या फॉरेन बॉडी की वजह से यह कंडीशन डेवलप हुई। ये फिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा, अस्थमा की फिजियोलॉजी है, किस प्रकार से क्या होता है वो सारा का सारा बता दिया मैंने। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो पहले का मैं बता दूं वापस, ये इस प्रकार से है तीनों ही, लिखना चाहे लिख भी सकते हैं इम्पोर्टेंट पैरामीटर को, देन अपने पास में ये सारी चीज़ आती है। ये इस प्रकार से रिलीज होता है, आया समझ में सभी को, देखे आगे। और यह अस्थमा अगर कॉज हो जाता है पेशेंट को तो क्या क्या मेनली सिम्टम देखने को मिलते हैं, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, हाइपरकैपनिया, और कैन कॉज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और ये क्या कॉज करता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, पहले भी बताया pH डिक्रीज होगा और PCO2 यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा पेशेंट का। डायग्नोसिस की अगर बात करें, चेस्ट एक्सरे करवाना है पेशेंट का, पेशेंट का क्या करवाना है, चेस्ट एक्सरे, ताकि फॉरेन बॉडी का पता चल सके। देन स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाना है IgE से, IgE से अपन को क्या करना है, स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाना है पेशेंट को IgE का पता लगाने के लिए। देन PFT करवाना है, PFT यानी LFT भी बोल सकते हैं अपन, यहाँ पे लंग फंक्शन टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी बोल सकते हैं, वो करवाना है। देन ABG एनालिसिस करवाना है, ABG एनालिसिस में भी पता चल जाएगा अपन को, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल लो आएगा और PCO2 का लेवल ज़्यादा आएगा, pH भी कम आएगा। एलर्जिक टेस्ट करवा सकते हैं अपन, एलर्जिक टेस्ट करवाना है पेशेंट का, और इसिनोफिल इंक्रीज इन WBC, ब्लड पूरा CBC करवाना है, ताकि CBC के अंदर WBC के अंदर पता चल जाए अपन को इसिनोफिल बढ़ रहा है घट रहा है।
एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR इंक्रीज इन CBC के अंदर ESR बढ़ जाएगी, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाएगी CBC के अंदर। ये वाली सारी की सारी कंडीशन देखने को मिलती है अपन को अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर। तो आया समझ में सभी को आज का अस्थमा का टॉपिक अपन को, और अब पढ़ते हैं अपन मैनेजमेंट के ऊपर जाते हैं। अस्थमा का कोई सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होता है, याद रखना कोई सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होता है। इसका बेस्ट उपचार यही है, आप एक तो रिस्क फैक्टर से बचो, प्रिवेंशन दिस बेटर देन क्योर, क्योर से बेटर है प्रिवेंशन रखना, प्रिवेंशन ही इसका उपचार होता है, याद रखना प्रिवेंशन अपन को ज़रूर रखना है, ध्यान रखना है फॉरेन बॉडी वगैरह का। और मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इनहेल्ड बीटा एड्रेनर्जिक एजेंट ड्रग ऑफ चॉइस होती है, इनहेल वाला बीटा एड्रेनर्जिक एजेंट होता है फेनिट्रोल, उसको मतलब ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है, उससे पेशेंट इनहेल करेगा और एयरवे को अपन ओपन किया जाएगा, इसी से ओपन कर सकते हैं एयरवे को। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग में कॉर्टिको स्टेरॉयड आती है, डिक्रीज हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवे। अब हाइपर जो रेस्पॉन्सिव हो रहा था एयरवे, उसको क्या करेगी यहाँ पे, डिक्रीज करेगी, उसकी हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस को डिक्रीज करेगी एयरवे की, कौन करेगा, कॉर्टिको स्टेरॉयड। ये स्टेरॉयड ड्रग होती है कॉर्टिको स्टेरॉयड, जिसके अंदर हाइड्रोकॉर्टिसोन अपन बोल सकते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन ये एलर्जिक हिस्टामिन ड्रग होती है, एलर्जिक ड्रग, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग होती है। और डेक्सामेथासोन भी अपन बोल सकते हैं, डेक्सामेथासोन। और याद रखना डेक्सामेथासोन जो ड्रग है वो यहाँ पे न्यू बॉर्न को भी दी जाती है, अर्ली जो न्यू बॉर्न होता है मतलब प्री मेच्योर बेबी, उसके लंग्स को मेच्योर करने के लिए भी डेक्सामेथासोन दिया जाता है, मतलब स्टेरॉइड थेरेपी उसको भी दी जाती है पेशेंट को। तो आया समझ में सभी को। एंड ब्रोंकोडाइलेटर अपन दे सकते हैं, जिसके अंदर आता है टर्बुटलिन एक सिरप फॉर्म में आती है, टर्बुटलिन, देन थियोफाइलिन का या पे अपन दूसरा नाम बोल सकते हैं डेरीफाइलिन या इथोफाइलिन अपन बोल सकते हैं, ये ग्रुप है इसका, थियोफाइलिन, डेरीफाइलिन या इथोफाइलिन, ये इसका ग्रुप है। ये क्या करते हैं, ब्रोंकस को डायलेट करते हैं। टर्बुटलिन जो सिरप आती है या टेबलेट आ सकती है, थियोफाइलिन वाली या डेरीफाइलिन वाली या इथोफाइलिन वाली, ये क्या करती है, ब्रोंकस को डायलेट करने का काम करती है। जो सिकड़ा हुआ ब्रोंकस है अपने पास में, ये नॉर्मल ब्रोंकस है, ब्रोंकस बता दूं मैं, ये तो है नॉर्मल ब्रोंकस, ये क्या है नॉर्मल ब्रोंकस, और ये था अस्थमा वाला ब्रोंकस, ये बिल्कुल सिकुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर क्या होगा, वापिस बना देता हूँ, ये तो है नॉर्मल ब्रोंकस और ये अस्थमा वाला ब्रोंकस। तो इसके अंदर क्या जमा होता है, म्यूकस, क्या जमा होता है, म्यूकस, ये तो नॉर्मल है, दूसरा वाला इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से म्यूकस जमा होता है, और म्यूकस की वजह से क्या होता है यहाँ पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो अपन ये वाली ड्रग देंगे, कौन सी वाली, ब्रोंको डायलेटर, और ये टर्बुटलिन वगैरह, ये क्या करेगी, कफ को रिफ्लेक्ट बाहर की तरफ कम आउट कर देगी, कफ को बाहर निकाल देगी, ये थियोफाइलिन वगैरह। तो इससे क्या होगा, ये जो जिस प्रकार से एयरवे इतना सा खुला हुआ है वो भी खुला रहेगा, कफ की वजह से बंद नहीं होगा, तो ये वाली कंडीशन अब ट्रीट हो जाएगी, वापस इस वाली कंडीशन में आ जाएगा पेशेंट। तो ब्रोंको डायलेटर दी जाती है ब्रोंकस को डायलेट करने के लिए, टू डायलेट रेस्पिरेटरी ट्रैक, पढ़ी लिया अपन ने, बीटा टू एड्रेनो रिसेप्टर एगोनिस्ट, जिसको अपन बोल सकते हैं साल बुटामोल भी यहाँ पे बीटा रिसेप्टर को, यहाँ पे एड्रेनो रिसेप्टर को एगोनिस्ट ड्रग होती है, इसको भी अपन दे सकते हैं पेशेंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है सारी की सारी। ये ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करती है, क्या करती है, ब्रोंकियल जो मसल्स होती है उसको रिलैक्स करने का वर्क करती है। देन अपने पास में आते हैं MDI आपने पढ़ा होगा, मेटर्ड डोज इनहेलर, सालबुटामोल एंड बेक्लोमेथासोन जो इनहेलर आता है, सालबुटामोल का भी इनहेलर आता है एंड बेक्लोमेथासोन का भी इनहेलर आता है, सालबुटामोल और बेक्लो दोनों के ही इनहेलर आते हैं।
और वो जिसको अपन सीधी सी भाषा में बोलते हैं पंप, लुक लाइक इस प्रकार से आता है वो पंप, ये इस प्रकार से पंप आता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेडिसिन का वो लगा होता है, मेडिसिन का एक शीशा लगा होता है इस प्रकार से नीचे की तरफ। और ये यहाँ से पंप ये इस वाले सिरे को मुंह में लिया जाता है, पेशेंट इस वाले सिरे को यहाँ पे माउथ में होल्ड करेगा और यहाँ से पंप को दबाएगा, नीचे से जैसे ही प्रेस करेगा और ऊपर से सारी की सारी क्या आएगी उसके पास में मेडिकेशन इनहेल रूप में आएगी, गैस फॉर्म में आ जाएगी और वो कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे ब्रोंकस के अंदर, और ब्रोंकस को क्या करेगी, इनहेल कर देगी, जिसको अपन बोलते हैं मेडिकल टर्म में MDI, यानी मिटर्ड डोज इनहेलर, मिटर्ड डोज इनहेलर इम्पोर्टेंट है बहुत ही। नर्सिंग केयर की अगर बात करें तो अपना जो नर्सिंग फील्ड है उसके अंदर अस्थमा का पेशेंट है अपने पास में, तो अपन क्या करेंगे उसके लिए, ये तो सब मेडिकल मैनेजमेंट तो डॉक्टर का था और डॉक्टर करेगा सारी चीज़ें लिखेगा, अपन को सिर्फ उसको बताना है। अब नर्सिंग केयर के अंदर नेबुलाइज क्लाइंट बाई इन्हेलेशन, नेबुलाइज करना है पेशेंट को इन्हेलेशन के द्वारा, और सालबुटामोल इन्हेलर उसको देना है, और ज़रूरत पड़ी इफ़ नीड, अगर ज़रूरत है तो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करनी है, वो भी डॉक्टर के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अपन अपने से भी कर सकते हैं, अपनी तरीके से भी ऑक्सीजन कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी ही करनी है अपन को। एंड हाई फाउलर पोजिशन में पेशेंट को रखना है, हाई पाउलर पोजिशन कितनी होती है, 80 to 90 डिग्री, 80 डिग्री या 90 डिग्री, या 80 डिग्री या 90 डिग्री, 90 डिग्री वाली पोजिशन अपन कंसिडर कर सकते हैं। ये इस प्रकार से रहेगा पेशेंट 80 to 90 डिग्री हाई पाउलर में, या तो इस प्रकार से या बिल्कुल स्ट्रेट इस प्रकार से रहेगा पेशेंट। आया समझ में सभी को। देन ऑस्कल्टेट लंग्स साउंड बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, और ऑस्कल्टेट करना है वीजिंग साउंड को, ट्रीटमेंट के पहले भी करना है, ट्रीटमेंट के दौरान भी करना है, और ट्रीटमेंट के बाद भी करना है। अगर साउंड बंद हो चुकी है मतलब अस्थमा ट्रीट हो चुका है, याद रखना इसको ऑस्कल्टेट कर करके। और अपन को पता है डॉक्टर भी यही चीज़ देखते हैं। अब आता है अस्थमा से रिलेटेड एक धमाकेदार MCQ आप सभी के सामने, और अगर आपको और भी MCQ देखने हो अस्थमा से रिलेटेड या आपके किसी भी डिजीज से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, एक क्लास कल हो चुकी है सुबह 10:30 वाली MCQ क्लास थी, उसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं वहाँ पे भी अस्थमा से रिलेटेड, COPD से रिलेटेड। और एक क्लास होगी 16 तारीख को 16 मई 2023, यानी 16 मई को अपन की एक और क्लास आ रही है, धमाकेदार क्लास MCQ क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, याद रखना, वो भी 10:30 बजे ही लाइव रहेगी, याद रखना, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी बिल्कुल देखना, बिल्कुल ना भूले। तो ये भी MCQ क्लास, उसके अंदर आपको बहुत सारे MCQ मिल जाएंगे अस्थमा से रिलेटेड। ये यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं वो क्या है, थ्योरी क्लासेज है, यहाँ पे ज़्यादा MCQ अपन लर्न नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता है, इसीलिए मैंने MCQ क्लास अलग से शुरू की है। ऊपर से NORSET का एग्ज़ाम भी है। अस्थमेटिक अटैक दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल इज़ कॉल्ड, अस्थमेटिक अटैक होता है डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, उसके अंदर क्या होता है कि डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल कर पाना, डिफ़िकल्ट होता है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन अस्थमा की जिसके अंदर मतलब डिफ़िकल्ट होती है पेशेंट को, उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते अपन, ट्रीटमेंट से भी मतलब अस्थमा का अटैक का एक टाइप है जिसको ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी अपन ट्रीट नहीं कर सकते। अभी जस्ट बताया था मैंने टाइप्स के अंदर बताया था मैंने, एक क्या COPD तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अस्थमा की बात कर रहे हैं, स्टेटस अस्थमेटिकस निमोनिया की बात ही नहीं कर रहे हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस। अब दो ऑप्शन आप सभी के सामने, COPD यहाँ से हटा दिया मैंने, न्यूमोनिया यहाँ से हटा दिया, अब दो स्टेटस एपिलेप्टिकस और स्टेटस अस्थमेटिकस, अब आपको बताना है कौन सा राइट है आंसर है। तो यहाँ पे स्टेटस अस्थमेटिकस अपन ने पढ़ा था, ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, इमरजेंसी इसका ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इनहेल बीटा एड्रेनर्जिक एजेंट, और फिर ठीक नहीं हो उससे भी ट्रीट नहीं होता है, कई कई बार उसका ट्रीटमेंट नहीं लगता है, फिर कॉल द फिजिशियन, अपन को क्या करना है, फिजिशियन को कॉल करना है। आया समझ में सभी को। तो आज की जो हमारी क्लास थी अस्थमा वाली क्लास, आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, देन सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।
आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी और यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, याद रखना हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन निकल के आता है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है इस क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास को शेयर करना है। शेयर करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसका बेनिफिट पहुँचेगा क्लास का, और नोटिफिकेशन को ज़रूर आप पहुँचाते रहे आगे से आगे, ताकि सारे बच्चों को क्लास मिलती रहे। तो कल फिर मिलते हैं अपन, यही टाइम रहेगा 8:30 बजे का। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।